नमस्कार मधुस्मिता किचन को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आम बनवा गोटे बहुत सिंपल रेसिपी आउ बहुत कम तेल मसलार जहाँ को कि आपण बनई रुटी बा परटा सहित खाईपरेंगे। जदि आपणकर घरे मुग डाली आउ जहनी अच्छी तले एमती रेसीपी थे निश्चय करूँ बहुत भल लगी था। तो डेरी नक चलतु स्टार्ट करवा आज सुंदर रेसीपी से चारोटी बड़ साइज़र जहनी नहीं प्रथमे कौन करा जहनीर ऊपर आ तल भाग को एमती काटि सारापर तापर आम ऊपर से जो शिरा गुड़िक अच्छी चोपा गुड़िक आम कौन करा गोटे पिलर सांपिक बाहर करना ना आप छुरी सांपिक बाहर करेंगे। तो चोपा आम बाहर कर सारापर आम टे बड़ बड़ साइज्र काटिनेबा जहनीटा आम भाजी सारापर टे जाकई था तो से आम कौन करा टे बड़ बड़ साइज्र काटिनेबा। तो एमती देखूँ मुझे जहनी को चारि पीस रमी काटि नौ तो एमती टिके मोटा रखा और टिके बड़ साइज़ रमी रखिकी बाकी सब जहनी गुड़ को काटिनेबा। तो ये मुझे गोटे बड़ साइज़ आलू नहीं आलुर चोपा छड़े एमती छोट छोट साइज़ काटि नहीं। तो ये आपड़ आलु ऑप्शनल अच्छी आप चाहिए नहीं पारे ना खाली जहनी आउ डाली नहीं कि करेंगे। तो ये मुझे गोटे कप मुग डाली को 30 मिनिट पूर्व भलसे धोई भेदे नहीं डालीटा आम बहुत बढ़िया से भेदी जाइए। कौन करा आम गोटे कढ़ई गरम करवा से दुई चामच तेल गरम करनाबा। तेल भलसे गरम होगापर से कौन करा आम से जहनी आउ आलु को देखिए भाजने ये आपड़ जब चाहिए जहनी आउ आलु को अलग अलग भाजिक नहीं पारे। तो मुझे एका सांगे भाजी नौ तो से आम कौन करा अध छोट चमच हल्दी पाउडर पकेबा आउ स्वाद अनुसार लुण पकई भलसे टिके एमती भाजनेबा। एबे याकु आमे मीडियम फ्लेम रे घोरेकी गोटे मिनिट पर्यंत छाड़ी देबा। तो बेसी समय बिल्कुल भी घोरेबेनि काहेकि ना जहनी रु पानी बाहरी थाए आउ अधिक आमर सिझि जाय थाए। तो सेथिपई आमे गोटे मिनिट पर्यंत ताकु घोरै नबा। तो तापर आमे गोटे मिनिट परे घोड़नी बाहर करी आउ टिके भलसे ताकु एमती टिके घोड़ै नबा। तो जहनी रु आमर पानी मरिबा पर्यंत से जहनी को एमती भलसे टिके भाजि नबा। जदि मोर भिडियोटी आपण मानक भल लगे तेल भिडियो गोटे लाइक टे करदे सेयार करेंगे। जदि आप चेल नुआ अच्छा आउ सब्सक्राइब करना तेल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो ये देखो जहनी रू आम पानी मरी जाइए तो गोटे मिनिट पर घोड़ी बाहर करदे आउ बिल्कुल भी घोरबे। तो ये देखो आम जहनी आउ आलुटा आम बहुत बढ़िया से भाजी हो जाए। तो ये आम गोटे प्लेट को बाहर करनाबा आउ से ही कढ़े बर्तमान आम आउ दुई तीन चमच भाया तेल ना। तो तेल आम भलसे टे गरम होगापर से आम कौन करा गोटे शुखिला लंका पकईनेबा। तो तापर आम ए गोटे छोट चामच जीरा पकईनेबा। जीरा को भलसे टे फुटवाक देवा जीरा बढ़िया से आम फुटीगलापर से कौन करा काटिकी रखी पिज को पकईनेबा। तो ये मुझे गोटे बड़ साइज्र पिज को एकदम छोट छोट कर तो पिज को पकईकी टे ब्राउन कलर आसा पर्यटन से पिज को एमती भाजनेबा। तो पिजाटा आमर टे भलसे भाजी गलापर से कौन करा छेचिकी रखी गोटे चामच अदा और रसुण को देदेबा। तो ये मुझे पाँच रु छा रसुण आउ अध इंचर अदा को छेचिकी रखी थी तो से अदा और रसुण छेचा को देदेबा। तो ये आप चाहिए अदा रसुण पेस्ट देपारे बेले बेले इच्छा होता है बहुत कम तेल मसलार आउ बहुत जल्दी हो जाऊबा किसी गोटे भल रेसीपीटे बनई खाइबा को। तो एमती आप बनातु बहुत कम समय हो जाए आउ बहुत टेस्ट लगी थाए। तो ये आम कौन करा काटिक रखी दुईट कंचा लंका को पकईदे टिके भाजनेबा। तापर आम कौन करा से टमाटो को पकईनेबा। तो ये मुझे गोटे छोट साइज्र टमाटो को एकदम छोट छोट कर काटि नहीं तो पकई सारापर से अध छोट चमच हल्दी पाउडर गोटे छोट चमच चिली पाउडर पकईनेबा आउ गोटे छोट चमच से धनिया पाउडर पकईनेबा से ही मसला पकेबा आ बेस किसी पकेबानी। तो आम कौन करा से आवश्यक अनुसार लुण पकईनेबा एवं से अल्प टिके पा दे भलसे टे एम गोलैनेबा। या घोरिक लो मीडियम फ्लेम गोटे रु देढ़ मिनिट पर्यंत छाड़ी दबा बा टमाटोटा आमर टिके नरम हवा पर्यंत छाड़ी दबा। तो तापर आम देढ़ मिनिट पर घोड़न बाहर कर मसला को आउ टिके भलसे टिके कसी नबा। तो मसलाटा आमर टिके भलसे होगलापर तापर आम कौन करा से जो भेदिक रखी थे मुग डाली से मुग डाली को आम मसलार देक भलसे टिके गोड़े नबा। तापर आम से मुग डाली को दे सारापर ताकू किसी सेकेंड पर्यंत से मुग डाली को टिके भाजी नबा मसला सहित मुग डालीटा आम टे भाजी गलापर से आम कौन करा पानी देदेबा। ये आप चाहिए मुग डाली को अलग प्रेसर कुकर सीझे नहीं पारे
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏ ମୁଗ ଡାଲିକୁ 30 ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ମୁଗ ଡାଲିଟା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭେଦି ଯାଇଛି ତ ଏ ଆରାମସେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ତ ମୁଗ ଡାଲିଟା ଏମିତି ବି କମ୍ ସମୟରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କୁକର୍ରେ 2ଟା ସିଟି ଦେଇ ଏ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇ ନେବେ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଇଛି ମସଲା ସହିତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏଇଠି ଆମେ ପାଣି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦେବା ଯେହେତୁ ଡାଲିଟା ଆମର ସିଝିବ ତ ସେଥିପାଇଁକି ଡାଲି ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ଏମିତି ଅଧିକ ପାଣି ରହିବା ଦରକାର ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବା ତ ଏଇଠି ମୁଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇଛି ତ ଏଇଠି ଆପଣ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି ନେବେନି ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି ହିଁ ନେବେ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିବା ପାଣିଟା ଆମର ଟିକିଏ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋରେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଡାଲିଟା ଆମର ଅଧା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ଅଧା ସିଝିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ତ ଡାଲିଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ସିଝିଯାଇଛି ଅଧା ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭରୁ ବିଲକୁଲ ବି ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକେଇବେନି ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁ ଆମର ଅଧିକ ସିଝିବ ତ ଡାଲି ଆମର ଅଧା ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକେଇକି ଭଲସେ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା ତାପରେ ଆମେ ସେହି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଘୋରେଇକି ଡାଲିଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ତା ଭିତରେ ଆମର ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝିଯିବ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଜହ୍ନିର ରେସିପି ସେୟାର କରିସାରିଛି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିନେବେ ତ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଘୋରେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଡାଲିଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଲିଟା ଆମର ସିଝିବାକୁ ଆଉ 8 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମିଳେଇ ଯାଉଛି ଡାଲିଟା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ସେଥିରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା ତ ଗରମ ମସଲା ଏଇଠି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ରୁଟି ସହିତ ସର୍ଭ କରିନେବା ତ ଏମିତି ମୁଗ ଡାଲିରେ ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇ ଘରେ ଥରେ ନିଜେ ହିଁ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ